हाँ हरे कृष्ण। आप लोग है ना उधर उधर रास्ता खाली रख लो, जो उधर जाए
और उधर से होते हुए जाए और उधर नहीं बैठ करके आप लोग इधर बैठ जाओ, इधर खाली जगह है सब उधर बैठ जाओ। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबको हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद, ये बच्चे जिसका उसको गोद में रखो, नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का अहो भाग्य है, हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के तीन पिलर थे। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है पिलर से, उसमें विशेष करके तीन पिलर थे, जिसमें दो पिलर का आज एक का जन्म तिथि और एक का तिरुभाव तिथि है। आज नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव है और नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज का आज जन्म तिथि आविर्भाव तिथि है। इसलिए ये जो दोनों महापुरुष है, ये विशेष करके ये गौड़ीय वेदांत समिति को बहुत आगे ये दोनों ने लेकर गए थे, हैं? दोनों ही लेकर गए हैं। इसलिए कहते हैं इनका जो आविर्भाव और जो तिरभाव है वो एक ही तात्पर्य है। कहते एक भक्त जो जन्म ग्रहण करते हैं, क्यों जगत में जन्म लेते हैं, कारण है कहते संसार दाबा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। कहते राधारानी स्वयं अपना निज जन को जगत में भेजते हैं, क्योंकि जगत में लोग जो दुखी दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बेटा से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ससुर से, जो दुखी दुखी संसार में और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये संसार में हम सबके सब दुखी है। ये दुख कष्ट को देख करके राधा रानी व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में कहते त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। ठाकुर का हृदय, राधा रानी का जब हृदय द्रवीभूत होता है, उनकी करुणा ही एक श्री गुरुपाद पद्म रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं। इसलिए श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे हम लोग गुरु जी की चरण में इतना रेणी क्यों गए, कारण क्या है। वो एक बहुत बड़ी बात कहते थे, वो कहते थे जब श्री भगवान राम आए हम उसी समय किसी ना किसी रूप में जगत में होएंगे, क्योंकि कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मोख अतएव माया कर दे संसारादि दुख।
संसार में दुख कष्ट क्यों बोल रहे हैं? कारण है अनादिकाल से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, इसलिए जगत में दुख कष्ट को भोग करते हैं। इसलिए कहते थे भगवान जब राम आए हम जरूर पेड़ पौधा कीड़े मकड़े रूप में जरूर उस समय भी होएंगे, जब भगवान कृष्ण आए हम कृष्णा किसी उस समय भी पेड़ पौधा रूप में होएंगे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी हम होएंगे, जब छह गोस्वामी आए तभी भी हम होएंगे, जब नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए तभी भी हम होएंगे। लेकिन वो कहते थे लेकिन तभी तो होएंगे, लेकिन मेरे दुख कष्ट को देख करके हैं, अगर मेरे चोटी को कोई पकड़ करके नरक से निकाल तो किसने मेरे को निकाले? बोले मेरे गुरुपाद पद्म ही मेरे को संसार रूपी समुद्र से गुरुदेव ही निकाले। अगर गुरु जी नहीं निकाले तो हम तो वही हैं, पूरी श्री कीट है ते मुंह से लगिष्ट। हाँ, इसलिए कहते हमारे श्री कृष्णदास कबीराज गोस्वामी भी कहते हैं, कहते विष्टा के जो कीड़े हैं उससे भी हम गए बीते हैं। जगाई माधाई कितने पापी थे जिनकी चित्रगुप्त पाप को लिख 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 करके घर भर गया था। बोले हे भगवान कितने करोड़ों काल तक ये दोनों नरक भोग करेंगे। बोले उनसे भी हम गए बीते हैं, उनसे भी ज्यादा पापी। कहते मोर नाम लय जय पाप तार पाप है, अगर मेरे नाम को कोई लेते हैं ना उनको पाप होता है, और मेरे नाम जो सुनते हैं उसका सारे पुण्य खत्म हो जाता है। हम इतने निर्घिन्न हैं, इतने नीचे व्यक्ति है, लेकिन ऐसे नीचे व्यक्ति को अगर उधार किसने किया है? कहते श्री नित्यानंद प्रभु ने उधार किया, और नित्यानंद प्रभु से जो अभिन्न कौन है? बोले हमारे श्री गुरुपाद पद्म ने ही हमें ये संसार से निकाले, संसार से गुरुदेव ही निकाले। इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में ही, हम सबके सब गुरु जी के चरण में हम लोग ऋणी हैं। ये दोनों महाराज हैं, विशेष करके ये दोनों के अंदर में बड़ी गुरु निष्ठा है, इतने गुरु निष्ठा इनके अंदर में, इतने गुरु निष्ठा हैं। कभी कभी इनके विषय पर कहा जाता है, कहते श्रील बामन गोस्वामी महाराज हैं, ये बामन गोस्वामी महाराज कहते हैं एक समय सारे इनकी गुरु भाई लोग बैठे हुए थे, तब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने एक प्रश्न किया है। इनका प्रश्न था बताओ तो भक्ति का क्या डेफिनेशन है, भक्ति कहते हैं किसको? सब लोग खड़े होकर के सा परानुरक्ति ईश्वर भगवान की चरण में हमारे श्रेष्ठ अनुरक्ति होनी चाहिए हैं। बोले अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, जैसे उद्धव नारद आदियों ने भक्ति किए अनन्य रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। बोले उत्तमा भक्ति उसको कहते हैं सारे अभिलाष को छोड़ करके जो काम करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे उसको ही भक्ति कहते हैं। सबके सब ये बात बताए, लेकिन जब हमारे भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज को खड़े किए उनका गुरुदेव, बोले बताओ भक्ति का डेफिनेशन किया? बोले भैया हम भगवान को भी नहीं जानते हैं, हम महाप्रभु को नहीं जानते, नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते, हम तो कृष्ण को भी राम को नहीं जानते, हम तो अपना सामने श्री गुरु जी को जानते हैं। अगर हमारी क्रिया से अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो मैं ये समझूंगा ठाकुर जी अपने आप खुश हो गए, ठाकुर जी अपने आप खुश हो गए है। इसको सुन करके बड़े खुश हो गए कौन? भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए इनकी देख करके हैं। कभी इनकी इतना सेवा ये करते थे, एक समय इनकी गुरु जी स्वयं कहते थे बोले अगर एक तराज लिया जाए, तराजू का एक तरफ में मंदिर का जितने सेवक है जो सेवा करते हैं, ये एक तराजू का एक तरफ में सभी का सेवा को रख लो, लेकिन दूसरे तराजू का दूसरे तरफ में अगर श्री बामन गोस्वामी महाराज जी की हैं, कहते श्री बामन गोस्वामी महाराज का सेवा को अगर एक तरफ रख लोगे तो इनकी पला भारी पड़ेगा, इनकी पला भारी पड़ेगा। इतने उनकी गुरुदेव स्वयं कहा करते थे ये बात को, समझो वो कितने सेवा नहीं करते थे, कितने सेवा नहीं करते थे, बड़ी सेवा करते थे। ये जो महापुरुष है ये प्रेस में काम करते थे, अपना मंदिर में प्रेस था, उसमें सारे कंपोजी करना, उसको छपवाना, सारे काम ये करते थे। एक दिन क्या हुआ, पहले प्रेस आप लोगों को देखे हो, पहले का जो प्रेस ऐसे नहीं था अभी जैसे कंप्यूटर,
देखना बहुत बड़ा लोहे ऐसे गिरता था उठता था, गिरता था उठता था, ऐसे ना ऐसे छपाई होती थी। ऐसे करते करते हठात इनका जो अंगुल है ना वो प्रेस के अंदर में चला गया दब गया इनका हाथ। वो तो इतने बड़े बड़े लोहे होते हैं और उसमें खून खून निकलना शुरू हो गया। प्रभु जी राजा आधार इसलिए उसमें खून खून निकलना शुरू हो गया। जब इनके हाथ से खून निकल गया, इनका जो गुरुदेव थे ना भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इनको तो उन्होंने गोद में लेकर रोने लग गए। इनको गोद में लेकर के इन्होंने रोने लग गए क्योंकि ये इतने सेवा करते थे, इतने सेवा करते थे मंदिर में हैं। और एक समय अगर किसी सेवा में लग जाएंगे ना पूरा लग जाते थे। इसलिए हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इनके लिए कहा करते थे, बोले इनके अंदर में एक विशेष गुण हम लोगों ने देखा जो हमारे अंदर में होना बड़ा कठिन। बोले कौन सा गुण? जैसे हम कोई सेवा कर रहे हैं, अगर बीच में बोल दिया भैया प्रसाद का समय हो गया, हम क्या करते हैं? बोले भैया सेवा को यहीं पर रख दो, पहले प्रसाद सेवा, पहले ठंडा रोटी ठंडा नहीं हो जाए, नहीं तो जैसे चावल रोटी सब्जी नहीं हो जाए, पहले क्या करो अपना प्रसाद सेवा कर लो, उसके बाद में फिर अपना सेवा करेंगे। ऐसे करते हैं ना। हाँ, जितने बड़े सेवा हो क्यों नहीं हो, लेकिन ये महापुरुष के अंदर में महाराज कहते थे इनके अंदर में एक विशेष गुण था, अगर ये कोई सेवा करते हुए होंगे जब तक वो सेवा पूरी नहीं हो जाएगा ना, भले ही रोटी ठंडा हो जाए, उधर तो चावल होता है, चावल सब्जी भले ही ठंडा क्यों नहीं हो जाए, ये जब तक अपना सेवा को पूरी नहीं कर लेते थे तब तक ये प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे। पहले सेवा उसके बाद में अरे प्रसाद को ये महापुरुष तभी ये ग्रहण करते थे। इनकी सेवा में इतना निष्ठा, जब ये सेवा करते थे जो प्रेस की सेवा, एक समय इनका गुरुदेव ने बोले हे दिन भर प्रेस में पढ़ा रहता है, कोई काम धाम कुछ नहीं है, एक बार गाली दिया, प्रचार कौन करेगा, जाओ प्रचार करने के लिए जाओ। जब इनको गुरुदेव एक बार बोल दिया प्रचार करने के लिए जाओ, तो उनने प्रचार में निकले तो सारा साल भर प्रचार करते थे और साल में केवल एक दो बार केवल मंदिर में आते थे, नहीं तो सारा जीवन उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने कैसे प्रचार किया जानते हो? गांव गांव में जाकर, बंगाल अब तक भी गए नहीं होंगे, कोई रास्ता नहीं होता था, कीचड़ में इस गुठन तक किचन में जाकर गांव गांव में जाकर के ये महापुरुष ने अथाह परिश्रम करते हुए इन्होंने उनको प्रचार किया। किसने इनको बोले ओ बामन गोस्वामी महाराज, अब देखना अगर प्रचार के लिए जाओ ना बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है ना, आप लोग भी हम लोगों को खिलाते हो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाते हो। किसने बोल दिया हैं ये बढ़िया बढ़िया हम प्रसाद पाते हैं, घर घर में जाकर के बढ़िया बढ़िया चकमाल, वहां पुष्पान्न मीठा चावल पनीर का सब्जी दही और वहाँ रसगुल्ला बढ़िया बढ़िया वहाँ प्रसाद मिलता है। भले ये जाग जाकर घर घर प्रसाद पा करके बढ़िया आनंद ले रहे, अरे मंदिर में हम क्या कर रहे, वही दाल और चावल खा रहे। इन्होंने क्या बोला जानते हो? बोले देखो मैं ये प्रचार करने के लिए जाता हुए ना, तुम लोग मठ में बैठे रहते हो, मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ तब भी कुछ ला पाता हूँ और तुम लोगों को बैठे बैठे करके मैं खिला पा रहा हूँ। अगर मैं प्रचार में नहीं जाता ना ये भी तुम लोगों का नसीब में नहीं होता, क्योंकि अगर बाहर नहीं जाओगे प्रचार करने नहीं जाओगे बैठ बैठ के थोड़ी हो जाएगी, वो नहीं हो सकता है। इसलिए ये महापुरुष ने ऐसे उन्होंने प्रचार किया ऐसे, और इनका जो गुरुनिष्ठा थी उस समय में ये जो पढ़ रहे थे ना, ये जब पढ़ रहे थे वो बोर्ड परीक्षा आया, लेकिन ये महापुरुष ये अलग समय नहीं निकालते थे पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में पढ़ते थे अलग समय नहीं, केवल स्कूल में जाकर के जितने समय पढ़ते थे उतना समय फिर घर में आकर के फिर पुस्तक नहीं देखते थे, ये पुस्तक फिर नहीं देखते थे, केवल वैष्णव का सेवा करते थे, केवल वैष्णव सेवा करते थे। इसलिए इनके जीवन को नारद जी के चरित्र को साथ में उदाहरण देते हैं। एक समय बोर्ड परीक्षा हुई, बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट निकला, जब रिजल्ट निकला इनको गुरु जी पहले हरिनाम लिया भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से हरिनाम लिया था। ये बोर्ड परीक्षा आपको पता होगा कितने बच्चे बोर्ड में बैठते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में लेकिन ये फर्स्ट आए, सारे बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट आए। जब फर्स्ट आए रिजल्ट आया इनको गुरु जी के पास में, गुरु प्रभुपाद के पास में, उन्होंने इनका नाम था सज्जन सेवक, उन्होंने सज्जन सेवक को बुलाया, बोले सज्जन सेवक ये बोर्ड परीक्षा में तुम फेल हो गया। लेकिन इनको इतना आत्मविश्वास था, बोले दुनिया फेल हो सकता है लेकिन जो गुरु वैष्णव का सेवा करेगा ना वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो कभी फेल नहीं हो सकता है। तब प्रभुपाद खुश होकर बोले
पूरा बोर्ड परीक्षा में तुम एक नंबर आयो, फर्स्ट तुम बोर्ड परीक्षा में तुम फर्स्ट आयो। मतलब ऐसे ये महापुरुष इनका दिमाग कंप्यूटर जैसे था। एक दिन ये बोल रहे थे अगर 7 दिन तक मैं कंटिन्यू अगर 7 दिन तक मैं श्लोक बोलूंगा ना, मैं इतने श्लोक याद है, 7 दिन में भी ये श्लोक मेरी ये हमारी फिनिश नहीं होगा, इतने इनकी स्मरण शक्ति थी। इसलिए उनको डिक्शनरी कहा करते थे, गौड़ीय मठ के डिक्शनरी। इनका जो गुरुदेव थे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज थे, ये अगर कोई ग्रंथ लिखते थे ना, इनको पास में बैठा लिया करते थे। क्यों, कहां का श्लोक, क्या क्या श्लोक है, इनको सारे श्लोक याद था, सारे श्लोक याद था, सारा दुनिया के श्लोक। इसलिए जब महाप्रभु कलयुग में हम कहते ना भाई अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान बोलते ना भगवान, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं है। भगवान आने से पहले अगर यहाँ पर मोदी आए उसके लिए कितने तैयार होगा बताओ, तभी जाकर ऐसे मोदी थोड़ी आ जाएगी। जब गोलोक वृंदावन से कोई भगवान की अवतार भगवान आती ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। इसलिए शास्त्र में प्रमाण होता है। एक दिन कहीं बहुत बड़े विद्वत सभा था, विद्वत सभा में वो लोग बोल रहे थे बंगला में तो बहुत सारे भगवान, जैसे खेत में बीज बो ना ऐसे भगवान सब निकलते हैं। किसने बोल दिया अमुक भगवान अमुक भगवान, लेकिन वहां पर हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सारी चीजों को खंडन कर इनको खड़े करते, बोले बेटा बताओ श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान है, चैतन्य महाप्रभु आएंगे हमारे वेद पुराण भागवत गीता में कहां कहां पर प्रमाण है। ए, इनको खड़े कर दिया ना, उन्होंने ऐसे श्लोक की झरी, ऐसे श्लोक की झरी लगा दिए, कौन सा नंबर कौन सा वेद कौन सा उपनिषद भागवत का गर्गाचार्य ने क्या बोला अमुक ने क्या बोला, एक एक करके उन्होंने पूरा उन्होंने सारे शास्त्र का कोटेशन को उन्होंने बता दिया। लोग तो सुन सुनकर दंग रह गए, बोले इतने श्लोक याद। पर उसी श्लोक को हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उसी चीज को उन्होंने एक ग्रंथ रूप में निकाल दिया। वो ग्रंथ है हमारे गौड़ीय मठ में ग्रंथ है महाप्रभु जो स्वयं भगवान है। ये कहां कहां पर कौन सा पुराण में महाप्रभु को भगवान बोलकर बताए। इसलिए गुरुदेव उनकी लेक्चर को ही उन्होंने के ग्रंथ रूप में लेक्चर को उन्होंने ग्रंथ रूप में इनके निकाल दिया। इसलिए ये महापुरुष ऐसे बंगाल में बहुत लोग प्रश्न तरह तरह का प्रश्न करते थे, लेकिन ये महापुरुष ऐसे एक प्रश्न जब सब अलग अलग प्रश्न करते थे, गुरुदेव बोलते थे महाराज कल तुम लोग सबके सब प्रश्न लेकर के आना, किसका क्या प्रश्न है। और सब लोग अलग अलग सब प्रश्न लेकर के आते थे, बोले गुरुदेव लो लो कागज लो हमारे क्या प्रश्न, बोले कथा के बाद में मेरे को पूछना। इनकी कथा ऐसे कथा थी, ऐसे कथा थी इनकी, जब ये लेक्चर देते थे हरि कथा बोलते थे उसको बाद में बोलते थे तुम लोग के अंदर में जो प्रश्न थी हजार हजार लोग प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं, बोले गुरुदेव आप ऐसे कथा सुनाए हमारे सारे प्रश्न अपने आप पता चले गया, अपने आप पता चले गया सारे प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल गया हमको। ऐसे गुरुदेव कथा करते थे। और ये महापुरुष है ना कभी कभी दो दो रूप भी धारण करते थे कभी कभी। एक समय क्या हुआ जानते हो, एक समय क्या हुआ, एक भक्त ने बंगाल में एक भक्त ने उनका उधर बहुत सुंदर जो पीठापना होता है ना, जब मकर संक्रांति का दिन बंगाल में सुंदर सुंदर वहां पर पीठा पीठा समझते हो, जैसे केक तुम लोगों को बोलते हो उधर बड़े सुंदर सुंदर पीठा केक बनाते पीठा बनाते हैं। और एक भक्त ने नियम है ठाकुर को भोग लगाने के बाद वही प्रसाद फिर गुरु जी को भोग लगानी चाहिए, और गुरु जी को भोग लगा करके फिर गुरु जी को ध्यान करनी चाहिए, गुरुदेव आओ और प्रसाद पाओ। उन्होंने बैठ करके जब गुरु जी को याद किया ना, याद करके जब आग को खोला देखा गुरुदेव सचमुच से प्रसाद पा रहे, गुरुदेव प्रसाद पा रहे थे वहीं पर। उन्होंने ये जो डायरेक्ट रूप में उन्होंने देखा, देख कर गुरुदेव फिर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तब वो माता जी ने सोचा मैं जो परिक्रमा में जाऊंगा नवद्वीप परिक्रमा में जाऊंगा गुरु जी तो आएंगे मैं पूछूंगा। इतने में वो परिक्रमा में आए, बोले गुरुदेव एक प्रश्न पूछो, अमुक दिन मैंने आपको बड़े सुंदर सुंदर मैंने प्रसाद ठाकुर को लगा करके आपको मैंने जब भोग लगाया मैंने आंख खोला तो देखा आप प्रसाद पा रहे थे, क्या सचमुच से आप मेरे घर में आए थे। आए थे। इतने में गुरुदेव ने बावन गोस्वामी महाराज रोज अपना डायरी में क्या क्या होता नहीं होता था डायरी में सब कुछ लिखते थे, सोने से पहले सब लिखते थे। बोले डायरी को खोले, जब डायरी को खोले ना उसमें लिखा हुआ था सचमुच से
एक भक्त हृदय से जब गुरु जी को उन्होंने याद किया, सचमुच से गुरु जी आगत प्रसाद भाई, वो डायरी में लिखा हुआ था, बोले अमुक तारीख था ना, बोले हाँ गुरुदेव अमुक तारीख था। ये कभी कभी उनका जब भी जनार्दन महाराज है ना, उनको सेवा करते थे, एक दिन किया हुआ उनको प्रसाद देने के लिए जब आए, बोले आज मेरा पेट भरा हुआ है। बोले गुरुदेव अब तो खिलाया नहीं, आपका पेट कैसे भरा हुआ, आपको तो हमने भोजन नहीं कराया, आपको पेट कैसे भरा हुआ। बोले ना हमने पेट भरा हुआ। बोले कैसे, बोले अमुक एक व्यक्ति था वो आज मेरे को निमंत्रण दिया था, मेरे को निमंत्रण दिया था कि किसी कार्य वशतः मैं इधर आ गया, और उसने बड़े बड़े सुंदर सुक्ता जाने तो बंगलों में हैं, और ये सब सब्जी भब्जी बनाया था, उनने भोग लगाया था, इसलिए मैंने भोजन किया। सचमुच से उनको जाकर के जो महाराज ने पूछा, गुरुदेव कह रहे थे इसी तारीख को आपका घर में गुरुदेव आए थे। बोले हाँ गुरुदेव आए थे, लेकिन उसी दिन गुरुदेव गए थे और कहीं गए थे, लेकिन उसी दिन एक साथ में कभी कभी ये दो रूप भी कभी धारण करते हुए भक्तों को घर में पहुंचते थे, और भक्तों की सेवा को ये महापुरुष ग्रहण करते थे। ऐसे इनकी दिव्य चरित्र है, और इनकी इच्छा मात्र से ही राधा रानी समस्त इच्छाओं को इनकी पूरी कर देती थी। एक समय नवद्वीप परिक्रमा में इनकी इच्छा हुई थी ठाकुर जी को एक नया ड्रेस बनाएंगे। अभी नया ड्रेस बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, सोच रहे 5,000 रुपया होगा ना ठाकुर जी के लिए, एक नया ड्रेस ठाकुर जी के लिए बन जाएगा 5,000 रुपया अगर हो। और सोच रहे थे इतने में एक बूढ़ी माता जी आई, बोले गुरुदेव बाबा लो ये 5,000 रुपया लो, अब ठाकुर जी को ड्रेस बना देना। बोले मैं तो अभी अभी सोचा था अगर ठाकुर जी के लिए ड्रेस है हो कम, उस समय 5,000 रुपया बड़ी कीमत था। बोले 5,000 रुपया, मैं तो मन में सोचा था, मैं सोच रहा था कौन इतना पैसा ठाकुर को देगा 5,000 रुपया। थोड़ी देरी बाद झट देकर को माता जी उतर गई, लेकिन महाराज जी अगर कोई सेवा दिए बा आए, महाराज जी उनका हाथ में जरूर प्रसाद देते थे। जब प्रसाद देने के लिए उन्होंने सेवक को बोले वो माता जी को जल्दी जल्दी बुलाओ, माता जी को जल्दी जल्दी बुलाओ, उनको प्रसाद देंगे। थोड़ी उतर कर देखा माता गायब, माता जी गायब कहीं। वो समझ गए राधा रानी स्वयं गोविंद की सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए ये राधा रानी स्वयं, नहीं तो मेरे मन में था 5,000 रुपया, वो 5,000 रुपया कैसे लेकर के आए, और उतरे तो देखा वो है ही नहीं, कहाँ चली गई। फिर वो समझ गए राधा रानी ने ही ये चीज को, सिर्फ राधा रानी ने ही व्यवस्था किया। ऐसे ही इनकी जीवन में कितने इनकी कथा है, कितने इनकी कथा अद्भुत अद्भुत कथा है। इसलिए आज ये महापुरुष की आज आविर्भाव तिथि है, और हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का आज तिरुभाव तिथि है। हमारे बीच में बहुत सारे भक्त लोग है, ये थोड़ी थोड़ी सबके सब गुरु जी के चरण में ये सबके सब श्रद्धा पुष्पांजलि देंगे। ठीक है, सब लोग 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सब हरी कथा बोलेंगे। अनुभव ये प्रभु जी कहते पहले मेरे को खड़ी कर देना। हाँ बोलो बोलो। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराधितम गुरुपाद पद्मम विष्णुपाद अष्टादश सत्यश्री श्रीमान भक्तिविलास श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में नमन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रभु विष्णुपाद अष्टादश सत्यश्री श्रीमान भक्तिविलास श्रीधर वामन गोस्वामी महाराज जी, नित्यलीला प्रभु विष्णुपाद अष्टादश सत्यश्री श्रीमान भक्तिविलास श्रीधर नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। और समस्त गुरु परंपरा उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तवृंद माताबृंद सभी के चरण कमल वंदन करता हूँ। आज हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य दिन है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, भगवत भक्त चरित्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भक्तों के चरित्र में जितनी तेजी से हमारे हृदय भक्ति बुद्धि बढ़ती है
उतनी तेजी से और किसी भी साधन में हमारी भक्ति वृत्ति इतनी बढ़ती नहीं। इसलिए भक्तों के जो जितना भक्त में अनुरक्त है वो उतना श्रेष्ठ भक्त है। इस प्रकार हम लोग विशेषकर बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि हम इसी परंपरा में और विशेषतः हमारे इस प्रकार महापुरुष गणों के चरण सानिध्य में मिला है। जब मैं शुरुआत में जब मठ में आया था, जब तब शुरुआत में हमारे जो महाराज जी हैं, जो कि उनके साथ ही महाराज जी हैं, जो कि उनके साथ हमारा महाराज जी बड़े स्नेह करते थे, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री परिवर्जन महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज जी और एक पूज्यपाद भक्ति वेदांत जिला पाद भक्ति वेदांत श्री भारती महाराज जी। भारती महाराज जी अभी अप्रकट हो गए हैं। तो कब हम लोग जब हम तब छोटे थे तब महाराज जी क्या करते थे, उनके पास ही बैठते जाते सेवा करते, तो महाराज जी बहुत अच्छे से कथा सुनाते थे, बहुत अच्छे से कथा सुनाते थे। विशेष करके जनार्दन महाराज जी और पूज्यपाद भारती महाराज जी बहुत समय कुछ कुछ कथा सुनाते थे, मैं उससे कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूज्यपाद पामन गोस्वामी महाराज जी का ऐसा चरित्र था, एक बार क्या हुआ, जनार्दन महाराज जी बताते हैं कि मुझे जब 11 साल उम्र हुआ था, 10 साल, तब क्या हुआ, मैं घर से आ गया मठ में, और मठ में आ गया, देखा मठ में सब रहा, सब कुछ भजन साधन कर, जैसे जैसे मठ का नियम है सब पालन कर रहा हूँ। और उस बीच में क्या हुआ, उस बीच में एक साल गया, और एक साल में क्या हुआ, तो वो ऐसे सोचे, अरे यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है भक्ति मिलना, मैं क्या करता ना, तारातड़ी भक्ति चाहिए, महाराज जी से बोलता हूँ, तारातड़ी भक्ति जल्दी चाहिए। तारातड़ी माने बंगला में बोलते हैं जल्दी जल्दी, जैसे ध्रुव जी ने 6 महीने में जैसे भक्ति प्राप्त कर ली, इस प्रकार मुझे भी क्या है ना, तारातड़ी भक्ति चाहिए। उन्होंने क्या करा कि उस समय मठ से जाकर, मठ के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, वो शायद आसाम साइड में कहां पर था, तो वहां पर जाकर महाराज जी ने क्या करा ना, ध्रुव जी का चरित्र जैसा है, ध्रुव जी चले गए जंगल में, चले गए और जाकर एकांत रूप में जाकर निष्ठापूर्वक भजन करे, तो महाराज जी क्या हुआ ना, वैसे 11 साल उम्र है और वैसे चले गए जंगल में, चले गए जाकर, फिर क्या करा ना, वही सुबह चले गए और जाकर एक ऊंचा स्थान पर बैठकर फिर भजन करने लगे, मंत्र जप करने लगे कि अभी क्या करूं मैं, तारातड़ी कृष्ण चाहिए, जल्दी जल्दी कृष्ण चाहिए मुझे। तब शाम के समय क्या होता है, उस जंगल में क्या होता है ना, दिन के समय पानी चला जाता है और शाम के समय फिर पानी आता है, जो लोग जिनके घर के आसपास नदी हो जानते हैं, ज्वार भट्टा उसको बोलते हैं, पानी बढ़ता है धीरे धीरे, फिर क्या होता है घटता है धीरे धीरे। तो शाम के समय क्या हुआ ना, पानी बढ़ते लगा और पूरे जंगल में पानी हो जाता है, और ये क्या कर रहे हैं ना, जप कर रहे हैं, पूरे दिन जप कर रहे हैं कि मैं क्या करूं ना, जल्दी जल्दी मुझे भगवान चाहिए। तब जो फॉरेस्ट गार्ड था उसने सुना, अरे यार शाम के समय ये किसी का एक आवाज आ रहा है और बच्चे का आवाज लग रहा है, तब उन्हें क्या कर ढूंढने लगे, टॉर्च ढूंढने, अरे देखे एक इतना छोटा बालक और देखने में साधु वैश्य है, चोटी है और मुंडन है, तिलक है, धोती पहना हुआ है, तब देखे हैरान हो गए, अरे इतना छोटा बालक ये कहाँ से, और रात में क्या होता है जंगल में बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं, पानी बढ़ता है। फिर उन्होंने क्या करा, उनको लेकर फिर पूछे, बालक तुम कहाँ से ना, हम ये मठ से हैं, मंदिर से हैं, ऐसे ऐसे भवन, तो उन्होंने क्या करा, उनको बड़े समझा बुझा कर ले गए, लेकर रात में वहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड का जो ऑफिस है वहां पर रखा, फिर कुछ फल बल दिया, फिर अगले दिन क्या करे ना, मठ में आके छोड़ गए। तो महाराज जी कथा पूछे, जनार्दन महाराज जी कथा बोलते हैं, और बोलते हैं कि बहुत समय के बाद, करीब 20 साल के बाद जब एक समय ऐसा था, तो पूज्यपाद पामन गोस्वामी महाराज जी और जनार्दन महाराज उनके बहुत समय तक सेवक रहे, उनका नाम था गोपीकांत प्रभु। तो बोलते महाराज जी सारे शिष्य लोग उनको बड़े ही क्या करते ना, आप करके, तुम ही करके, मतलब तुम करके, किसी को बहुत ही सम्मान देकर सबको, बट जनार्दन महाराज जी के साथ क्या है, महाराज जी बहुत अच्छे से तूता करके, मतलब बहुत एक जैसे विश्रम गुरु सेवक है उस टाइप के क्या करते ना, हास्य प्रयास करते हैं। तो एक समय ऐसे बोल लेते कि हाँ उस दिन मेरे लिए तुम बच गए। तो जनार्दन महाराज, हाँ आपने क्या कर दिया, तब तो मैं आपके पास आया भी नहीं था। तब बोले तुम क्या समझो, तुम बाद में समझोगे। फिर जनार्दन महाराज वही कहते हैं कि इस प्रकार गुरु नित्य है और गुरु क्या करते हैं, यद्यपि हम उनके सम्मुख पास में नहीं है, पर अंतर्जामी रूप में क्या करते हैं, हमें सबसे में रक्षा करते हैं, हमें सबसे पोषण करते हैं, गुरु ही हमारा भर्ता है, भर्ता मतलब पालन करता है, गुरु ही हमारे पोषण करता है, गुरु ही हमारी रक्षा करता है। ये एक उदाहरण है।
एक घटना है और एक ऐसे बहुत सारे, मैं एक बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे भगवान अनंत और हरि अनंत और हरि कथा अनंत, उनके लीला अनंत, इस प्रकार गुरु वर्गों का भी ऐसा ही चरित्र है। और एक बार क्या हुआ, पूज्यपाद जब भारती महाराज जब आए थे, बड़े ही अमीर घर के थे, बड़े पढ़े लिखे थे, उस समय क्या होगा ना, क्रिकेट में बहुत ही उनका रुचि था, इंटरेस्ट था, बहुत ही रुचि, जहाँ पर क्रिकेट मैच होता था वो जाके देखते थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे। तब क्या हुआ, एक मठ में आकर लाल कपड़ा भी ले चुके हैं, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है, नया नया मठ में। तो क्या हो रहा है, ईडन गार्डन में, जो कोलकाता स्टेडियम ईडन गार्डन, वहां पर क्रिकेट मैच हो रहा था। तो जब क्रिकेट मैच हो रहा था, मठ पे कोई भक्त आया था, वो भी देश भक्त कोई, उनके पास भी मतलब एक्स्ट्रा टिकट है, तो उन्होंने कहा कि आप चलोगे, चलेंगे। तब पूजे पर बामन गोस्वामी महाराज सब थे नहीं मठ में, कहीं बाहर प्रचार में गए थे, तो ये क्या करे ना, मठ चल गए जाकर फिर क्या करे ना, क्रिकेट मैच देखकर आए। फिर कुछ दिन के बाद, दो तीन चार दिन के बाद, पूजे पर बामन गोस्वामी महाराज जी पता चला। तो महाराज पता चलने पर भी कभी डायरेक्ट ऐसे शासन नहीं करा, उन्होंने क्या करा, हरिकथा में बड़े ही मृदुभाषी, पूजे पर बामन गोस्वामी महाराज बड़े ही गंभीर, बड़े ही मृदुभाषी, मृदुभाषी मतलब सब स्पोकन, और बहुत ही प्रेम पूर्वक, किसी को शासन नहीं करते। आप अगर विशेष करके एक ग्रंथ है उनका पत्रामृत, जिसको हिंदी में और बंगला में दोनों भाषा में करा गया, उसमें आप अगर उनका लेखनी देखेंगे, किसी समय भक्त लोगों ने किसी किसी विषय को लेकर प्रश्न पूछा पत्र के माध्यम, तभी के जमाने तो पत्र था, तब उन्होंने पत्र के माध्यम में, चिट्ठी के माध्यम में जो उत्तर दिया, आप उसको देखोगे, उसको पढ़ोगे, मैंने शायद 20 बार से ज्यादा पढ़ा है, और इतना सुंदर भाषा है। तब क्या हुआ ना, एक दो महीने के बाद फिर महाराज जी कथा में बड़े ही मतलब कि मृदु भाषा में क्या करे ना, इसे समझाए कि जो त्यागी वैराग्य आश्रम ले चुका है, विशेष करके लाल कपड़ा भी, उसको इस प्रकार। तो उसके बाद महाराज जी बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे कभी भी ऐसे मतलब ये शासन नहीं करा, और बहुत ही मतलब उसको इस प्रकार बोले कि तब से मैंने अभी तक जीवन में कभी नहीं गया। तो इस प्रकार बहुत सारे भक्त लोग हैं, सब थोड़े थोड़े बोलेंगे, तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अजित प्रभु, जीत प्रभु आ जा, जीत प्रभु चल 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 जी। उसको बोल दो, जदुनंदन प्रभु, जदुनंदन प्रभु ज्ञान त्रिमंदिर से ज्ञानंजन सलाकर चुरु लिखम ये तस्वीर श्री गुरु गौरव गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय वांछा कल्पवृज कृपा सिंधु वच पतित नाम पावने वैष्णव्यो नमो नमो विष्णु पदाय पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम नित्य लीलाओं विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी गुरु महाराज के चरणों में अभय चरणों में कोटि कोटि वेणाओं पर नोदन कर देता हूँ। भक्ति विधान बामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में और भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में और यहाँ बैठे मेरे गुरु भाई और सबके चरणों में यथा योग्य प्रणाम है। हरे कृष्णा। आज दो महापुरुषों का एक ब्रह्मोत्सव और एक
आविर्भाव आविर्भाव एक का आना और एक का जाना। एक बार मैं नवदीप से आ रहे थे तो एक महाराज जी थे और हमारी उनकी सीट बराबर ही बराबर थी, तो ऐसे ही चर्चा करते चले आ रहे थे तो भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में कुछ कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि एक बार की बात है, गुरुदेव मथुरा में रहते थे और मथुरा में जब रहते थे तो त्रिभक्य गोस्वामी महाराज जी और बामन गोस्वामी महाराज जी नवदीप से गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आए ब्रज में। आए तो पहले ना मठों में ज्यादा वो नहीं होता था, स्टोव होते थे उसमें तेल लगाकर ये सब जलाते थे, रोटी पोटी बनाते थे। और गिरिराज जी की भी जो आज जो धर्मशाला वगैरह बन रही है ये बहुत ज्यादा नहीं थी, कच्चा मार्ग था, बिरले बिरले बहुत कम भक्त जाते थे परिक्रमा के लिए। तो दान घाटी से जब परिक्रमा स्टार्ट करी तो बामन गोस्वामी महाराज जी आगे आगे चल रहे थे और गुरुदेव ने इन दोनों की सेवा के लिए एक ब्रह्मचारी को भेजा कि तुम साथ जाओ और इनको प्रसाद वगैरह बना करके अच्छे से खिलाना, सेवा के लिए भेजा। तो बामन गोस्वामी महाराज जी जब आगे आगे जा रहे थे तो त्रिभक्य गोस्वामी महाराज जी पीछे पीछे थे। और गौड़िया मठ के हमारी संप्रदाय में जो हम लोग जुड़े हुए हैं ये तीनों पिलर थे, इन दो तीनों का बड़ा प्रेम था। गुरुदेव तो इस बात को ज्यादातर कहते थे कि जब गुरु भाई आपस में प्रेम नहीं कर सकते हो तो भगवान से क्या करोगे, मतलब इतना प्रेम था इनका आचरण से बहुत। तो जब आगे आगे जा रहे थे तो बामन गोस्वामी महाराज जी थोड़ा आगे निकल गए तो उस ब्रह्मचारी ने त्रिभक्य गोस्वामी महाराज जी को पूछा कि महाराज जी आपका जन्मदिन कब है। तो उन्होंने कहा हरामजादे तू मेरा जन्मदिन मनाएगा। तो बामन गोस्वामी महाराज जी पीछे मुंह घूमे और ऐसे करके बोले कि ये नहीं तुम्हारा जन्मदिन मैं मनाऊं। मतलब ये तीनों अपनी इच्छा से आए और अपनी इच्छा से गए। जब गुरुदेव नोएडा में आते थे बड़ा उत्साह होता था। हमारे अनुरुद्ध प्रभु हैं, राधानाथ प्रभु हैं, जीत प्रभु हैं, ये ना सब टोली बना बना के, विशेषकर हमारे अनुरुद्ध प्रभु तो इनको इतना उत्साह होता था गुरुदेव आगे फोन करके सुबह जल्दी तैयार हो जाओ एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट जाते थे और जब गुरुदेव आते थे तो वहां एयरपोर्ट में जब अंदर घुस जाते तो इतनी सारी भीड़ होती थी मथुरा से वृंदावन से दिल्ली से। और वो वहां के कर्मचारी सोचते थे भाई कौन आ रहा है इतनी भीड़ कैसे, और जब गुरुदेव आते थे वो बड़ा मृदंग और कीर्तन और ये बड़ा उत्साह होता था, भक्तों में साधारण नहीं थे। एक दिन की बात है, मैं अपना अनुभव इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं गुरुदेव के बारे में। जैसे अपने गुरुदेव की तो हर व्यक्ति प्रशंसा कर सकता है, बड़ाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा भी गुरु हो किसी संप्रदाय का गुरु हो और अपने गुरु की तो कोई भी प्रशंसा कर देता है, लेकिन जब दूसरे गुरुओं के शिष्य आकर के जब गुरुदेव की महिमा गाते हैं प्रशंसा करते हैं तो तब अच्छा लगता है। एक बार की बात है नवदीप में जब परिक्रमा चल रही थी तो जनकपुरी में पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी ने ऐसे गुरुदेव की महिमा गा रहे थे तो कह रहे मेरी महिमा मत गाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने गुरुदेव की महिमा अच्छी लगती है तो हमें अपने गुरुदेव की महिमा अच्छी लगती है, ऐसे करके रामचंद्र प्रभु जी ने कहा। गुरुदेव साधारण नहीं थे, जड़ जगत के भी जो परेशानियों के जो उत्तर थे ना ऐसे तत्काल देते थे, बहुत अच्छे से देते थे। एक व्यक्ति हमें ट्रेन में जा रहे थे तो ऐसी बात चल रही थी तो बाहर के व्यक्ति हमको मिल गया और जब हमें आपको मिल गया तो ऐसी बात भाई जब ये तिलक और ये थैली होती है ना तो ये वैष्णवों की अलग ही पहचान होती है। जब बातचीत चलने लगी तो पूछा भाई किसके शिष्य हो, तो हमने बताया भाई उनके शिष्य हैं भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी हमारे शिष्य हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके गुरुदेव तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या कैसे कि एक दिन मैं अपना दुख लेके उनके पास गया था और मैंने अपना जगत का दुख उनके आगे जब बोला तो मेरे को एक शब्द बोले, बस ज्यादा नहीं बोले, मैंने तो बहुत सारी लाइन बोली लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, कह रहे तू इस प्रहलाद महाराज से भी ज्यादा दुखी है क्या, तू प्रहलाद महाराज से भी ज्यादा दुखी है क्या, वो इतना दुखी मतलब उनके ऊपर कितना संकट पड़ने के बाद जब वो हरि का भजन कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते क्या, उनसे भी ज्यादा दुखी थे।
तो गुरुदेव ऐसा जवाब दे देते तत्काल। और गुरुदेव की एक महिमा थी, गुरुदेव की जो आंख है ना एकदम नीली नीली थी, और नीली नीली आंखों से एक बार जो संवाद कर लेता था, एक बार मिल लेता था, एक बार दृष्टि पड़ जाती थी तो बस उन्हीं का हो जाता था। ऐसा उनके हृदय में इतनी भक्ति, इतना प्रेम था, इतना आनंद था, जो एक बार माधव महाराज जी भी इस बात को कह रहे थे कि हम जब जाते हैं ना विदेशों में तो हम लोगों को खूब समझाते हैं, हमारी बात कोई नहीं मानता, और गुरुदेव केवल दो शब्द बोलते हैं, उनकी आंखों में कोई झांक लेता है तो सारा जगत उनके पीछे पीछे हो लेता है। ये महिमा थी गुरुदेव की। एक बात की बात है, मैं अपन गिरिराज जी के हम परिक्रमा दे रहे थे उधव कुंड पे, गिरिराज जी एक बाबा रहते थे और उनका नाम था कुछ गिरधारी था, तो मैंने जाकर उनको प्रणाम किया, बोले लाला किसके शिष्य हो, मैंने बताया मैं भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य हो। कह रहे भाई ब्रज में दो ही शिष्य थे, दो ही महात्मा थे, एक भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज, एक भक्तिविदान थे स्वामी कृपा जी जो है इसको उनके संस्थापक है, ये ही ब्रज में भाई दो भक्त हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं, देखो ब्रजवासी किसी की महिमा गुणगान नहीं करता, लेकिन ब्रजवासी भी हमारे गुरुदेव की महिमा का गुणगान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरुदेव को जहाँ पर ललिता गांव आप गए थे, पूछा गांव, वहां पर गुरुदेव को ये ब्रजवासी समाज में ना कहते भगवान को भी नहीं मानने वाले, दुनिया भगवान की झूठा दुनिया खाता है लेकिन भगवान हमारी झूठा खाते हैं, ब्रजवासी ऐसे बोलने वाले ब्रजवासी, किसी को जितने बड़े हो जाए सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव को जो ऊंचा गांव ललिता गांव वहां पर श्री नारायण के भट्ट है, वहां पर सारे उनकी शिष्य थे जितने ब्रजवासी है, वहां पर सारे नंदगांव बरसाना और वृंदावन और हमारे मथुरा जितने सारे बड़े बड़े जितने सारे विद्वान और जितने ब्रजवासी हमारे गुरु जी को वहीं पर उन्होंने पुष्पाभिषेक किया था, और उनका नाम है उसका नाम उन्होंने जुगाचार्य नाम रखा था। बोले सचमुच से ये युग में एक विशेष आचार्य है, इसलिए गुरुदेव का नाम सुन करके ना जैसे वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ब्रज में नवद्वीप और पुरी ये तीनों धाम में जैसे सबसे बड़े संत थे, हमारी गुरु जी की अगर कोई तीनों जगह पर अगर कोई सुन ले ना नारायण गोस्वामी महाराज ये तो बहुत बड़े संत थे, और इनका शिष्य का भी अगर कोई बोलते हम नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य ना सबका सर झुक जाते हैं, ये ऐसे एक महापुरुष श्री हमारे गुरुदेव ऐसे श्री महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ऐसे खंडन मंडन गुरुदेव करते थे, ऐसे खंडन मंडन गुरुदेव करते थे, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान। गुरुदेव एक बार बोल रहे थे जो एक बार मेरे शरण में आ गया, एक बार दीक्षा मंत्र लिया, गुरुदेव एक बार बोल रहे थे जितने दिन तक मैं उनको गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचा दूं, एक बार क्या अगर मेरे को हजार भी बार भी आना पड़े उनके लिए मैं हजार बार भी आऊंगा जब तक उनको अपना धाम देता हूँ। इतने इतने हमारे गुरुदेव की इतने महिमा, हम लोग बड़े भाग्यवान है जो ऐसे महापुरुष का कम से कम दर्शन भी तो हुआ है, ऐसे महापुरुष का हमें दर्शन भी हुआ है, ये हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक बढ़िया बोलो निशान श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो बात नहीं चलिए गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय गदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय गदभक्ताय नमो 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 विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे नमो विष्णुपादाय भक्तिसिद्धान्त स्थापिने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामननिति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पततानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अधि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके गुरु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात व्यासासीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अद्भुत कृपा की प्रार्थना करता हूँ एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों हरि कथा तिथि पालन करने आए सभी माता भक्तों को सबको मेरा यथा योग प्रणाम। शिला जो गुरुवर्ग हैं वैष्णव हैं उन्हीं के जो अनुभव आचरण आदि के अनुगत्य में जो अपना क्षीण और शुद्ध जो अनुभव है वो पुष्पांजलि रूप में मैं श्री गुरुवर्गो के चरणों में मैं प्रयास करूंगा करने का। महाराज जी ने भी हमें बताया कि किस प्रकार से ये महाजन और किस कार्य विशेष कार्य से ये महाजन इस जगत में आते हैं। एक सरल अगर उदाहरण से समझ सकते हैं तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं, जब हमारा ये शरीर बीमार होता है, कई प्रकार के रोग व्याधि होते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम एक अच्छे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जिस डॉक्टर ने बड़े अच्छे से पढ़ाई करी हो, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, बहुत उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो हमें लगता है कि हाँ ये डॉक्टर मेरे रोग का इलाज कर सकता है। बीपी, शुगर, थायराइड, कितनी कितनी बीमारियां हैं। उसी प्रकार से अगर शास्त्रों को हम देखें तो वही शास्त्र हमें बताते हैं कि ये जो जीव है ये भी इस भव रोग से ग्रस्त है। इसी भव रोग के थोड़ी थोड़ी आप इधर से समझ सकते हो कौन लोग प्रभु जी प्रभु जी लोग आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आगे और थोड़ा थोड़ी एकदम सटल करे बेटे एकदम सटल करके यानी ठंडा का समय में अच्छा लगेगा इसलिए अभी गर्मी नहीं है और थोड़ा थोड़ा एकदम और थोड़ा थोड़ा एकदम सटल सटल करे बेटे प्रभु जी आप इधर आ जाए ये किधर आ जाए आप खड़े अरुण इधर आ जाए हाँ आप तो थोड़े इधर आ जा। हम सोच रहे थे इतना बड़ा मंदिर बना दिया इतना बड़ा मंदिर बना दिया अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा थोड़ा सटे सटे कर हाँ जो जो उधर से आते हैं उधर चले जाओ उधर से पीछे रास्ता रख लो हाँ बैठ जा जिसको जो जो चेयर में बैठते ना अब तक पीछे पीछे चेयर में बैठो लोगों को दिखेगा नहीं अब पीछे बैठ जाओ चेयर पीछे आप पीछे कर दो चेयर में ठीक है बोलो बोलो। तो इसी प्रकार से ये जीव इस भव रोग से ग्रस्त है अनर्थ अपराध रूपी इसके बीपी थायराइड बढ़े हुए हैं अनेक अनेक कलेशों रूपी इसको ज्वर लगे हुए हैं ऐसे ही पापों की ये जो पीड़ा है कहीं जैसे शरीर में दर्द आदि होते हैं इस प्रकार के जो ये रोग से जो जीव ग्रस्त है उस जीव के इस रोग को देख के ही जो पहला श्लोक है श्री गुरुवाष्टकम का संसार दावा नलनी डलोका उसी से क्या है कि गुरुदेव कौन है श्री कृष्ण जो भगवान जो कृपा मूर्ति है करुणा निधान है करुणा वरुणालय है उनकी करुणा ही क्या है आती है एक रूप लेके और यहाँ पे आके क्या कर रही है ये मत सोचना कि आ गए हैं तो बस कर दिया आपको आपको रोग मुक्त कर दिया। जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है पूरा डायग्नोस करता है आपको एक विधि बताता है दवाई देता है उपचार पूरा बताता है नियम आदि बताता है। तो उसी प्रकार से ये जो गुरुवर्गों की जो ये जो गुरुवर्ग हैं जो कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं ये बोला जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति इनको कहा जाता है ये इस जगत में आए। अगर आप देखें
क्या वास्तविक रूप से इनको इस जगत में आने की कोई आवश्यकता है? क्या इनको कोई साधन भजन करने की आवश्यकता है? ये एक हमारी तरह मेरी तरह कोई एक निम्न कोटि के कोई बद्ध जीव नहीं है जिनको साधन करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उस भगवत जगत से भगवान की सेवा जो वहां पे नित्य रूप से कर रहे हैं, इस जगत में आते हैं पूर्ण रूप से साधन करके दिखाते हैं, शास्त्रों का पालन करके दिखाते हैं, अपने आचरण से अपने निर्देश उपदेश से क्या कर रहे हैं इस जीव के लिए, केवल किस लिए आए हैं। ये मत सोचना कि इनको इनको भगवत प्राप्ति करनी थी, इनको उस सेवा की प्राप्ति करनी थी, नहीं। हम जीवों को देखते हुए हम पे करुणा करते हुए वह यहाँ आए और पूरा जीवन एक कठोर साधन नियमबद्ध रूप से देखना, कहीं पे भी किसी नियम का शास्त्रों का निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया। कुछ दिन पूर्व भी हमने श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के हमने शुभ तिरुभाव तिथि का हमने पालन किया, तो ये जन कौन है? उन्हीं शिला प्रभुपाद जी के जो कौन है वो शिला प्रभुपाद जी कौन है, हमने सुना, क्या बताया था कि इस शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसे एक शुद्ध भक्ति की इस महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक सेनापति को बुलाया था। तो उसी सेनापति के ही कौन है ये निज परिकर है, क्या कर रहे हैं, जैसा उन्होंने मार्ग दिखाया, जो नियम निर्देश उपदेश आदि दिए उसी को एज इट इज दे रहे हैं। जो एक बात होती है ना गुरु निष्ठा है क्या, वास्तविक रूप से देखा जाए तो क्या है कि वह गुरु वर्ग जो शिला प्रभुपाद जो पूरी गुरु परंपरा के बिल्कुल जैसी है, जैसा उन्होंने पूरी बताई है भजन प्रणाली जैसी बताई है, जैसा भक्ति को जैसा दिया है एज इट इज दिया है, वो गुरुवर्ग उसको भी एज इट इज पालन कर रहे हैं, एज इट इज ही दे रहे हैं। और जब हम उनसे उस चीज को एज इट इज लेने के लिए उपस्थित होते हैं, हो सकता है हमारे अंदर बड़े गुण दोष होंगे, परंतु जब हम उपस्थित होते हैं तो क्या है, वही गुरु निष्ठा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो आप देना चाहते हैं। अगर हम इन महाजनों को देखें, इनकी गुण कीर्तन खत्म नहीं होंगे, ये समय आपका खत्म हो जाएगा लेकिन उनके गुण कीर्तन खत्म नहीं होंगे। तो देखेंगे कि इन दो महाजनों ने आजीवन क्या किया, केवल और केवल अनन्य शुद्ध अनन्य भक्ति का प्रचार किया। इस अनन्य शब्द को थोड़ा सा अगर समझेंगे कि ये अनन्यता है क्या, ये अनन्य भक्ति है क्या, कि किस अनन्य भक्ति किस शुद्ध भक्ति का इन्होंने प्रचार किया है, तो कह रहे हैं ये जो गौड़िया वैष्णव धारा से जो विचार आए, जो ईष्ट गुरुदेव हमेशा इस बात को इन गुरुवर्गों ने कहा कि अपने ईष्ट को निर्धारण कर लो, अनन्य हो जाओ उनके प्रति, चाहे बीच में कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी कुछ आए, पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों की वजह से, पूर्व जन्मों के पाप संस्कारों की वजह से, अगर चाहे जितनी मर्जी अड़चने आए, जितनी बार भी गिरो उठो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करो, अपने उस ईष्ट की तरफ अपने उस टारगेट को सेट करके जो चलता रहे। अनन्य भक्ति इन्होंने क्या करी है, पूरे जीवन पालन करी है, हमें दिखाई है। तो हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए गुरु निष्ठा, कि जैसी आपने दी, जैसी आपने बताई, मैं अयोग्य हूँ, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, बहुत कुसंस्कार है, लेकिन मैं फिर भी अपि चेष्टु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग का, उसमें भगवान भी क्या कह रहे हैं, यही गुरुवर्गों से क्या समझ रहे हैं, जितने मर्जी अवगुण हो जाओ, क्या जिन बंदरों ने वानर सेना जो थी जिन्होंने राम जी की सेवा करी, क्या उन बंदरों में अवगुण नहीं थे? अरे बात मत करो बच्चों, एक छोटी सी गिलहरी है, उसके अंदर क्या क्षमता है हनुमान जैसी, लेकिन फिर भी वो भी क्या कर रही है, जल में जाके लिपट के कुछ रेत उस पुल पे डाल रही है। तो भगवान किस चीज से प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान क्या मेरे उससे प्रसन्न होंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा बोलता है, हाँ ये बहुत अच्छा बनाता है, वो अंदर आपके इंटेंशन
आपकी चेष्टाओं की जो अंदर इंटेंशन है ना, किस भाव से ये मेरे को कर रहा है, क्या अंदर से ये स्वसुख की कामना के लिए आया है या अपने आप को शोधन करने की भावना से आया है, क्या अपने अंदर इस भावना से आया है कि हाँ प्रभु जैसा ये पूर्व जो ये हमारे गुरुवर्ग हैं इन्होंने जिस पथ को दिखाया है, जिस भाव को, जिस भक्ति को दिखाया है, मैं उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करने के लिए आया हूं, तो समझना हमारी ये तिथि पालन करने का जो हम उपस्थित हुए हैं पालन करना सक्सेसफुल होगा। वरना फिर क्या होगा, एक के बाद ये तिथियां आती रहेंगी, हम भी देखेंगे मेन्यू में आज क्या बना है, ये प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, खुद भी खाऊंगी, चार जनों के लिए भी बांध के लेके जाऊंगी, बस इस तरीके से तिथि पालन होती रहेगी। अगर वास्तविक रूप से अगर मैं इस तिथि पालन को करना चाहता हूं तो मैं ये देखूंगा कि पिछली बार मैं कहां था, इस बार कहां पहुंच गया, अगली बार कहां जाना चाहता हूं। ऐसे नहीं, मैं यहां था, मेरे को यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, इन लोगों ने जिस चीज को दिखाया मुझे वो बनना है। अगर हमारे हृदय में हम बन नहीं सकते शिला नारायण गोस्वामी महाराज, हम बन नहीं सकते शिला वामन गोस्वामी महाराज, पर अगर इनके जैसा बनने की अगर हमारे हृदय में इच्छा नहीं हो रही तो फिर शायद अभी हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति करने का हमारे अंदर इच्छा ही नहीं आई। गौर प्रेमानंद श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तुम शिरसा नमामि। आज श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी का दर्शन और श्रवण करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे इन महापुरुष द्वय की जो अहेतु की कृपा है उसी को हमें समझना चाहिए। अभी महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली कि ये जो महापुरुष है ये इतने कष्ट सहन करके भी हरि नाम का प्रचार करते हैं। हमारे भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने लिखा, अभी मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले, कि भक्ति का मार्ग लोगों को ना बहुत से लोगों को बड़ा सरल सा प्रतीत होता है और ये लगता है कि देखो ये गुरु जो है कैसे कार में चल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो ये बड़ा, ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, कितना अच्छा प्रोफेशन है, गुरु बन जाओ, ऐसे प्रचार में लग जाओ तो आराम से जिंदगी कटेगी। ऐसा नहीं है, आराम नहीं है। इस पे विशेष रूप से कलयुग में इतने सारे इसमें संकट है जो कलयुग के जीवों है, वो इस भक्ति पर कैसे कैसे आक्षेप लगाते हैं और गुरुवर्ग सद्गुरु जो होते हैं जो केवल हरि नाम का प्रचार करना चाहते हैं उनके रास्ते में कैसे कैसे रोड़ा डालते हैं, कैसी कैसी खोटी खोटी सुननी पड़ती है, कैसी कैसी अड़चनें आती हैं, ये सब चीजें सहन करके भी ये सद्गुरु हरि नाम के प्रचार के लिए सारे कष्ट सहन करके भी हमारे लिए केवल जीवों के कल्याण के लिए जो प्रयास करते हैं, इससे हमको भी कुछ सीखना चाहिए। मेरे को याद है एक समय हमारे गुरुदेव कहीं दिल्ली में आए हुए थे तो हम कुछ लोग मिलने गए उनसे, तो हमारे साथ हुई थे, उन्होंने बोला गुरुदेव रद्द हो गए थे, थोड़ा सा परेशानी रहती थी उनको ज्यादा परिश्रम करने के लिए, डॉक्टर ने भी मना किया था, तो बोले गुरुदेव अब आप बाहर क्यों जाते हो, विदेशों में क्यों जाते हो, यही रहा करो, क्योंकि विदेश में जाने का मतलब है अगर यहाँ से आप यूएस जा रहे हैं तो जो टाइम डिफरेंस है 12-14 घंटे का, यहाँ से आप उड़े रात के समय जिस समय सोने का समय होता है वो नहीं मिलता, इतना हम जैसे लोगों को, जवान लोगों को परेशानी, अब तो बुड्ढा हो गया जब जवान था तब जाता था तब हमें परेशानी हो जाती थी, हम सोते रहते थे और इतना कष्ट होता था, लेकिन गुरुदेव इस आयु में भी 70-80 साल की आयु में ऐसा कर लेते हैं, असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन ये तो खैर महापुरुष हैं करते हैं, पर फिर भी कष्ट उठाते हुए ऐसा सब कुछ करते हैं, तो हमने
अपने प्रेम वश बोल दिया गुरु जी आप क्यों जाते हो, आपको इतना कष्ट होता है। गुरुदेव कहते हैं मंदिर बनाने हैं, मठ मंदिर बनाने हैं, इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, सब लोग हैं, इन सबका पालन पोषण भी करना है, जिम्मेदारी ले लो, मैं नहीं जाऊंगा। ले सकता है कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति, एक महापुरुष, इनकी शक्ति देखिए, ये लेते हैं, ये लेते हैं जिम्मेदारी। कैसे लेते हैं? क्योंकि भगवान के गण है, इनमें वो शक्ति है जो भगवान में है। और आज हमें श्री श्रीधर महाराज जी से ये सब श्रवण दर्शन प्राप्त होता है, हरि भजन हरि कथा सुनने को मिलती है, ये सब इन्हीं के प्रताप से है। हमारा ये जो पुष्पांजलि है या हमारा जो कंट्रीब्यूशन इसमें, क्योंकि ये सदगुरु परंपरा में है, ऐसे सदगुरु जो कष्ट उठाकर हरि भजन कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार में हमें सहायता करनी चाहिए। हम कुछ लोगों को जो संसार में फंसे हुए हैं उनको लाएं, गुरुदेव के समक्ष लाएं, उनकी शरण में आए वो लोग और वो हरि भजन करने को प्रवृत्त हों, यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा।